मुरादाबाद पहुंचे नगर विकास मंत्री महेंद्र सिंह। दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में नगर विकास मंत्री महेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काफी योजनाएं गरीबों के लिए निकाली गई हैं, जिनमें गरीबों को काफी लाभ पहुँचा है, जिससे हमारा देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। कारोबार के नए नए अवसर बेरोजगार को दिए जा रहे हैं। गरीबों के लिए नए नए योजनाएं निकाली जा रही हैं, जिससे गरीबों को काफी लाभ पहुंच रहा है। प्रदेश में शौचालय योजना निकाली गई, जिससे लोगों के घरों में शौचालय बनाए गए और कानून व्यवस्था को पूर्ण रूप से दुरुस्त किया गया, जिससे अपराधों की संख्या काफी हद तक घटी है और आगे भी इसी तरह के कार्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी रहेंगे। चलिए, शहर जो आज सफर कर रहा है वो उन गलियों की मैं सड़कों की वजह से कर रहा है। मैं आपको प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप लोग ये लोग उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है $1 trillion इकोनॉमी हमारे उत्तर प्रदेश की होगी और उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पूरी तरीके से समृद्धशाली बनेगा। और मैं मुरादाबाद का प्रभारी होने के नाते मुझको गर्व है, मेरा मुरादाबाद भी विकास के नए नए आयामों को छूने का काम कर रहा है। पिछले 2.5 वर्षों में लगभग 3,500 करोड़ की परियोजनाएं हमारे मुरादाबाद में आई, जिसमें से मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हम लोगों ने 276.16 करोड़ की परियोजनाओं को पूरा किया। उसमें सड़कों को बनाया, पीने के लिए पानी दिया, अस्पताल का निर्माण कराया, आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए, बहुत सारी योजनाओं को हम लोगों ने पूरा किया। इसके अलावा गन्ना किसानों के लिए, किसानों के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्धा के लिए, दिव्यांगों के लिए बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से उन योजनाओं में जो लोग छूट गए थे उनको भी मुख्य धारा से जोड़ते हुए हम लोगों ने उससे लाभान्वित कराने का काम किया है। हमारे केवल 22 करोड़ जो वृक्षारोपण उत्तर प्रदेश में किया गया, एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। उसके तहत केवल हमारे यहाँ पर 32.5 लाख वृक्षारोपण केवल मुरादाबाद में किया गया है। तो वृक्षारोपण के माध्यम से भी और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद हमारा प्रमुखता के साथ स्थान बनाए हुए हैं, तो मुझको खुशी है और आप सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है कि मेरा मुरादाबाद तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जो हमारी 86 परियोजनाएं हैं उनको भी जल्दी से जल्दी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे और मुरादाबाद में और भी जो आवश्यकता होगी उसको सब मुरादाबाद के अपने मुरादाबाद की जनता के लिए हम लोग जरूर पूरा करेंगे, जिससे मुरादाबाद हमारा नंबर 1 का जिला बन सके। और उस दिशा में यहाँ का प्रशासन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं जिला प्रशासन को, प्रशासन के सभी अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले 2.5 वर्षों में किसी प्रकार का कोई तनाव मुरादाबाद में नहीं हुआ। अमन चैन का वातावरण रहा, सब लोग मिलजुल करके रहते हुए विकास के कार्यों में अपनी भूमिका निभाते रहे। योजनाएं हैं मुरादाबाद, बड़ी बात है कि पिछले 2.5 वर्षों में 30 महीने में हम लोगों ने 914 दिनों में तेजी के साथ हमारा उत्तर प्रदेश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। भारत की सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जिसके लिए भारत सरकार ने कई बार उत्तर प्रदेश सरकार को पुरस्कृत भी किया है। और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश चतुर्दिक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और उसी का परिणाम है कि भारत के हर कोने से और दुनिया के कोने कोने से लोग हमारे उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आने के लिए आतुर हैं। और उसी का परिणाम था कि 62,000 करोड़ रुपये का ग्राउंड सेरेमनी एक बार और 68,000 करोड़ रुपये की ग्राउंड सेरेमनी दूसरी बार करके उत्तर प्रदेश में बहुत सारे रोजगार का सृजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कानून का राज्य स्थापित किया है। अब मेरा उत्तर प्रदेश पूरे अमन चैन के साथ शांतिपूर्वक विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। देखते देखते उत्तर प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों के लिए किसानों का कर्जा माफ किया गया, किसानों के धान और गेहूं की खरीद की गई और 1.2 करोड़ 61 लाख शौचालय बना करके स्वच्छ भारत मिशन में पूरे भारत के अंदर नंबर 1 पर स्थान बनाया गया। 25 लाख आवास शहरी और ग्रामीण मिलाकर के उत्तर प्रदेश में बनाए गए और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 1.35 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन उन गरीब महिलाओं को देने का काम किया गया और हम सब लोगों ने सौभाग्य योजना के तहत लाखों लोगों को विद्युत कनेक्शन भी देने में कामयाब रहे। सड़कों के मामले में